से मैं सबसे पहले माजरत के बच्ची को कोर्ट लेकर गए थे और फिर कोर्ट से क्योंकि परसों हमें धरने के वक्त बोले थे कि फैमिली को थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं तो उसके बाद से बच्ची को पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया है पूरी फैमिली को। तो पुलिस प्रोटेक्शन में बच्ची कोर्ट को गई फिर घर आई फिर वहां से निकलने में पुलिस का परमिशन भी दरकार था तो ये प्रोसेस में ताखीर हुई जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। बहरहाल जरा फोन सब बंद कर दिया। बहरहाल ये है कि बुनियादी बात आज आपको बुलाने का मकसद ये है कि 25 तारीख को ये वाकया हुआ सुबह 4:30 बजे। ये लड़की आफरीन अपनी बहन को मुर्दा हालत में मधु यादव के बेडरूम में लटकी हुई देखी। पुलिस के FIR और फिर DCP का जो प्रेस नोट है उस वो इंतहाई हैरत अंगेज है और ऐसा महसूस होता है कि Day 1 से पुलिस मुजरिम को बचाने की कोशिश कर रही। डिप्टी कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, इसमें कोई दो राय नहीं है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैटर आज भी मैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियल जो मैटर था वो मंगाया, वो आपके पास भी वो मैटर होगा। अगर आप उसको देखें तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये समझिए कि मर्डर है या फिर समझिए कि इसमें रेप हो सकता है। ये दोनों चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं है जबकि एक्यूज को पुलिस जुडिशियल कस्टडी में चल्लापल्ली भेजा दिया गया। जब एक्यूज को चल्लापल्ली भेजाया गया तो आप इन्वेस्टिगेशन कैसे नहीं करें, एक बड़ा सवाल पैदा हो सकता है। और एक्यूज से इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ वो भी पब्लिक के सामने नहीं लाया गया। नंबर एक क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन ये है कि आप एक्यूज को जुडिशियल रिमांड में भेजा दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में DCP और असिस्टेंट कमिश्नर जो इंचार्ज है वो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा गया कि ये सस्पिशियस मर्डर है, ये भी नहीं कहा गया, ये रेप केस हो सकता है ये भी नहीं कहा गया। तो फिर किस ग्राउंड पर मधु यादव को जेल को भिजाया गया, इस पर समझिए कि खामोश है, पुलिस भी खामोश है, FIR भी खामोश है, सब चीजें खामोश है। सिर्फ किसी के घर में बॉडी दिखने से तो उसको जुडिशियल कस्टडी में नहीं भिजाया जा सकता। जब आप जुडिशियल कस्टडी में भिजाए हैं तो अल्टीमेटली आप इन्वेस्टिगेशन करे होंगे, वो इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक के सामने क्यों नहीं लाया गया। और एक बात बहुत क्लैरिटी के साथ, जो दूसरा क्वेश्चन है और पुलिस इस पर आज तक जवाब नहीं दी है, जब हमारा धरना हुआ उस धरने में भी असिस्टेंट कमिश्नर को मैंने बहुत वाजे कहा कि FIR वीक बनाया गया है। बिलाल साहब, मैं और सलीम साहब वहां पर थे और समझिए कि बहुत क्लैरिटी के साथ हम कहे कि भाई ये जो इंक्वायरी हो रही है ये इंक्वायरी मुजरिम के फेवर में इंक्वायरी जैसा लग रही है, FIR बहुत वीक बनाया गया। बहरहाल पुलिस ने तयक्कुन दिया कि साहब हम इंक्वायरी कर रहे हैं। उसके बाद उसी रात को पुलिस ने डिसाइड किया कि असिस्टेंट कमिश्नर को समझिए कि इंचार्ज बनाया जाए और लोकल पुलिस ऑफिसर से वो केस ले लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में ये इंक्वायरी चल रही। अब जो दूसरा अहम सवाल है, आफरीन के बयान के मुताबिक जो FIR में लिखा हुआ है और DCP की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी है, बच्चों को समझाया जैसा होम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि निर्भय लगा दिया गया और कमिश्नर को बुलाकर बात भी की गई, खुदारा आप ये बताइए कि आफरीन का जो बयान ऑन रिकॉर्ड है पुलिस का, उसमें ये पुलिस ने लिखा है कि रात में 10 बजे मधु यादव आता है, इस लड़की की बहन को कमरे में ले जाता है, अपना बेडरूम लॉक कर देता है, बच्ची पूछती है कि क्यों लेकर जा रहे हैं,
वो कहता है कि मैं काम से ले जा रहा हूं, तू खामोश बैठ जा। सुबह 4:30 बजे पुलिस का बयान कह रहा हूं, पुलिस का जो इन राइटिंग बयान, 4:30 बजे 25 की सुबह 4:30 बजे आफरीन उठकर अपनी बहन को देखने जाती है। वो ये देखती है कि उसकी बहन लटकी हुई है और उसकी मौत वाकई हो गई। अब उसके बाद पुलिस ने यह कहा कि वी रिसीव द कंप्लेंट 10:30 AM। तो अब 4:30 बजे ये वाकया हुआ, तो पुलिस खुद कह रही है कि हम 10:30 बजे हमको कंप्लेंट रिसीव हुआ आफरीन की तरफ से। तो 6 घंटे पूरे 6 घंटे क्या बॉडी लटकी भी रही, 6 घंटे पुलिस क्या मैनेज करी, इन 6 घंटों की कोई तफसील पुलिस नहीं बताई। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि 6 घंटे में क्या क्या हुआ। और पुलिस ये कहती है कि भाई हम उस उस्मानिया दवाखाने को समझिए उन्होंने लेकर गए, या फिर कैसे हुआ मधु यादव साथ गया, ये भी समझिए पुलिस के केस में ये बात बिल्कुल साइलेंट है कि मधु यादव से क्या बयान ली पुलिस, इसके इस समझिए कि पुलिस के FIR में नहीं है कि मधु यादव का स्टेटमेंट नहीं है कि मधु यादव ने पुलिस को क्या बतलाया, ये कोई बात समझिए कि पुलिस के FIR में भी नहीं है। और DCP की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी समझिए कि ये बात नहीं कही गई है कि मधु यादव से पुलिस ने क्या पूछा, मधु यादव ने पुलिस को क्या बयान दिया, ये इस पर पूरी पुलिस की समझिए कि ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है वो साइलेंट है। तो इस पर कई सवाल उठते, एक ये कि मधु यादव कंफर्म TRS का वहां का लीडर है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है कि वो TRS का नहीं है। मधु यादव मोइनाबाद का लैंड ग्रैबर है, जबकि तहरीक मुस्लिम शब्बान का डेलीगेशन जब ACP से मिलने शकील एडवोकेट साहब और हमारे तहरीक के दूसरे साथी गए तो उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर पूरे तरीके से मधु यादव को प्रोटेक्ट कर रहा था जो गुफ्तगू हुई, और वो TRS का लीडर है। नहीं नहीं, TRS का लीडर नहीं है, तो पुलिस क्यों समझिए कि क्लैरिफाई कर रही है कि वो TRS का लीडर है क्या TRS का लीडर नहीं है, पुलिस सफाई क्यों दे रही है, ये बात समझ में नहीं आई। और फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट जो होम मिनिस्टर साहब का आया है वो सिर्फ उर्दू अखबारात के लिए आया, उर्दू प्रेस नोट आया है, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पूरे मीडिया को फीड नहीं किया, बल्कि हमारे धरने के बाद वहां रास्ता रोको जो एहतजाज हुआ उस एहतजाज के बाद एक उर्दू समझिए के प्रेस नोट होम मिनिस्ट्री तेलंगाना की जानिब से भिजा दिया गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट आज तक होम मिनिस्टर का नहीं आया। और फिर दूसरी बात यह है कि TRS का ना MP उस घर पर गया, अगर इन्हें TRS का लीडर नहीं है तो फिर TRS का MP विक्टिम के घर पर क्यों नहीं गया, इस मासूम बच्ची और उसके खानदान से क्यों मुलाकात नहीं किया, MLA क्यों नहीं गया, दूसरे लीडर्स क्यों नहीं गए। मैं इसको क्रिमिनलाइज नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन कुछ दिन पहले दिशा का वहां एक मर्डर हुआ, पूरी TRS की टीम वहां पर समझिए कि दिशा के घर पर मौजूद नजर आई, छोटे से बड़ा मिनिस्टर नजर आया। ये गरीब फैमिली है, ये समझिए कि हाउसमेट फैमिली है, इनका बाप समझिए कि ऑटो चलाता है, गरीब है, बच्चियों को प्रॉपर टेक केयर नहीं कर रहा था, तो आपके पास भी कोई अहमियत नहीं। एक तेलंगाने की मासूम लड़की का रेप होता है और उसका मर्डर किया जाता है, पुलिस समझिए ना रेप का लफ्ज इस्तेमाल करती है ना मर्डर का लफ्ज इस्तेमाल करती। होम मिनिस्टर साहब समझिए कि कमिश्नर को बुलाकर अखबारात को फोटोज जारी कर देते हैं कि भाई इसमें कोई समझिए कि वो नहीं किया जाएगा, बल्कि पूरी दयानतदारी से इन्वेस्टिगेशन होगा। क्या इन्वेस्टिगेशन होगा, आपके FIR में और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना मर्डर का जिक्र है ना रेप का जिक्र है, जबकि तहरीक मुस्लिम शब्बान का जो डेलीगेशन इस लड़की की फुप्पी से बात किया, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है,
कि जब बच्ची को गुसल दिया जा रहा था तो गुसल के वक्त लड़की के समझिए के पैरों पर खिरोचने के निशान थे, जख्म पाए गए थे और लड़की के जिस्म पर समझिए कि अलानिया जिस तरह से जबरदस्ती रेप किया जाता है वो निशानात मौजूद थे। ये लड़की की फूफी का स्टेटमेंट है, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। अब क्योंकि ये लड़की की लाश थी तो कोई फोटोज वगैरह नहीं लिए जा सकते थे, इस वजह से उस सिलसिले में फोटोज नहीं लिए गए, लेकिन ये क्लियर समझिए कि रेप एंड मर्डर है। इस केस की तहकीकात रेप एंड मर्डर की हैसियत से उस एंगल से की जानी चाहिए। अब इस केस में जो पुलिस तहकीकात कर रही है ये कि साहब ये सुसाइड केस है, सुसाइड का केस समझिए बनाकर इस पर तहकीकात की जा रही है जो टोटली गलत है। इसको हम स्ट्रांगली कंडम करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये क्लियर रेप केस है, जो एविडेंसेस हमारे पास निकल कर आए हैं ये रेप केस है और ये मर्डर केस है। और मधु 6 घंटे पुलिस को क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, 6 घंटे तक पुलिस 4:30 बजे सुबह से 10:30 बजे पुलिस के बयान के मुताबिक 10:30 बजे तक क्या 6 घंटे तक समझिए कि पुलिस तमाशा देखती रही या मधु यादव को बचाने के लिए कुछ समझिए मामलेदारी करते रही, इस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। इन सवालात का जवाब होम मिनिस्टर को और तेलंगाना हुकूमत को देना चाहिए। मैं पुलिस से नहीं कह रहा हूं, मैं तेलंगाना हुकूमत की मुजरिमाना ये खामोशी पर सवाल उठा रहा हूं कि एक लड़की अगर रेप होता है तो उसके साथ ये अमल है और दूसरी लड़की का रेप होता है तो समझिए कि ये अमल है। अब इस पर समझिए तहकीकात होनी चाहिए, हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम समझिए कि इस पर बराबर आवाज भी उठाएंगे होम मिनिस्टर और फिर हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट भी समझिए कि मूवमेंट में भी हम इस बात को तब्दील कर सकते हैं अगर इंसाफ नहीं किया जाता। ये ठंडी ठंडी बातें करके के साहब नहीं नहीं वो हैंग हो गई सुसाइड है इसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात, तहरीक मुस्लिम शब्बान और ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से इस लड़की को, ये जो आफरीन है, इस लड़की की आज से मुकम्मल खाने की, उसके लिबास की, उसके मेडिकल की, उसकी दीनी तालीम की और शादी की जिम्मेदारी हम कबूल करते हैं। इस लड़की की तरबियत और तालीम और उसके साथ उसके खाने और उसके समझिए के तमाम जिंदगी के जो भी मसाइल हैं वो और फिर इसकी शादी, ये सब चीजें इंशाल्लाह अजीज अल्लाह के भरोसे हम इसको समझिए के साथ कबूल करते हैं। इस लड़की को काई कोई काम करने या किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस सिलसिले में समझिए कि जब हम ये फैसला करें तो जनाब बिलाल साहब ने इस सिलसिले में 50,000 रुपीज की रकम समझिए कि देने का वादा किया है कि इस सिलसिले में 50,000 रुपीज फर्स्ट कमिटमेंट बिलाल साहब की तरफ से समझिए आया है और हर महीना इस बच्ची का राशन पानी सारी जरूरियात की चीजें तहरीक मुस्लिम शब्बान के कारकुन उसके घर ले जाकर पहुंचाएंगे ताकि बच्ची कैसी है क्या है एक राबता भी हमको रहे, एक रास्ता हम बच्ची से रखें, इसकी तालीम और तरबियत का भी इंतजाम समझिए कि हम करेंगे, कुरान समझिए कि पढ़ाई जाएगी और दीनी तालीम का पूरा इंतजाम भी इस लड़की के घर पर हम करने का फैसला किए। तो हुकूमत से जो सवालात है वो बाकी रहेंगे और इस सिलसिले में हम कोई नरमी नहीं बरतेंगे, कोई खामोशी नहीं बरती जाएगी। लैंड ग्रैबर्स मिलकर इस मसले को दबा देना चाह रहे थे, मधु यादव भी लैंड ग्रैबर है और कुछ लैंड ग्रैबर जाहिरी तौर पर आवाज उठा रहे थे ताकि ये मसला दब जाए, लेकिन ये मसले को समझिए पूरी ताकत से कुव्वत से हमने उठाया है और इसको समझिए जब तक के मुजरिम को सजा नहीं मिल जाती, मुजरिम को कानून के दायरे में सजा नहीं मिल जाती उस वक्त तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। बच्ची की जिम्मेदारी हमारे जिम्मे रहेगी। अब बच्ची समझिए कि कुछ कहेगी उस रोज के हालात पर आप बच्ची से सवाल आते बोलो साथ के बोलो आप जो है आपके साथ जो हुआ आपके साथ वो खुल के